सूरजकुंड मेला के प्रांगण में हर वर्ष की भांति नगाड़ा बजाने में मगन ये सभी बुजुर्ग हरियाणा के पलवल जिले के चांदेहट गांव से हैं, जो नगाड़ा बजाने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इन बुजुर्ग कलाकारों में 60 से लेकर 87 वर्ष की आयु के कलाकार पूरे उत्साह से मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सुभाष एंड पार्टी के मुखिया सुभाष ने बताया कि अपने हरियाणा की संस्कृति को संजोकर रखने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, जहां इस नगाड़े को हमारे दादा परदादा भी बजाते थे। आज उसी परंपरागत इस कला को बचाए रखना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि खासकर होली से एक महीने पहले ही नगाड़ा बजाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि हम ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं और ब्रज में होली का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि हम पूरे जोश उल्लास के साथ मेले में लोगों का मनोरंजन करते आए हैं और करते रहेंगे। वहीं 87 वर्षीय कलाकार सियाराम ने कहा कि आज भी हम लोगों में पूरा जोश है, क्योंकि हम देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना जैसे विचार वाले राज्य में रहते हैं। इससे आप समझ सकते हो, जहां खाना इतना शुद्ध हो तो स्वास्थ्य कितना शुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि वह 14 साल से नगाड़ा बजा रहे हैं और आज भी पूरी तरह स्वस्थ है। और ये बजरंग पार्टी गांव चांदल से, जिला पलवल हरियाणा से आपके बीच में आई है। और हमारा तो एक ही मकसद होता है, एक अपनी भारत की और अपनी हरियाणा की संस्कृति को बचाते हुए ऐसा कार्य करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखा जा रहा है कि बुजुर्ग बुजुर्ग हैं सभी, लेकिन जोश पूरा है। हाँ, जोश पूरा है। हमारे दादा परदादा से ये प्रतिक्रिया चली आ रही है। ये हमारा होली पे कार्यक्रम होता है, जो नगाड़ा जो चलता है ये होली से चल जाता है, एक महीने पहले से चल जाता है। ये कितनी पुरानी कला है ये माने जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से तो कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते, 100-200-400 कितना मनोरंजन करेंगे, भरपूर मनोरंजन करेंगे अपनी तरफ से। क्या नाम है आपका? सियाराम है जी, गांव चांदा, तहसील पलवल। उम्र कितनी है? मेरी 67 साल की उम्र है। 67 साल की उम्र। और जैसे आपने जोश तो ये इसलिए है ना कि देशों में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, जब खान पान हमारा सही रहेगा तो देश के बच्चे नौजवान साथी सभी ठीक रहेंगे, यदि खान पान ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो बेकार है। अब मेला शुरुआती दौर में ही है, थकावट तो नहीं होगी? थकावट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम बुधराम है। क्या उम्र है? मेरी 65 साल की उम्र है। हाँ, तो सारे लगभग लग रहा है कि 60 के प्लस की है। हाँ जी, सब 60 के प्लस की है। हाँ जी, हमारा ये 90 प्लस रहे। हाँ जी, विजय राम। क्या उम्र है आपकी? 87। आप इस चांदर से हैं? चांदर से। तो कितने सालों से जो है आप इस? मैं इतने बड़े 14 साल से गा रहा हूँ, 14 साल से। क्या कहना चाहेंगे जो आज भी युवा जो है कम उम्र में थक जाते हैं? हाँ, वो तो समय ऐसा ही है जी, आज क्यों थकी जो है। आप बहुत पुराने समय से इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह से जो है लोग हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो ये? हाँ हाँ, हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हो, हमारी जो संस्कृति है पुरानी वो चलती रहे, हमारे बालक भी यह चलाते रहे। बालक भी भाग लेते हैं आपके साथ? बालक भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाना बजाना सब कुछ करते अपना अपना मतलब। तो होली पे इसका महत्व क्या है? है जी, इसमें होली का ही क्या महत्व है इसमें? होली का एक कला है जी, कला है, अपनी संस्कृति है पुरानी। मेला होता है जैसे दिवाली का मेला होता है, जो परंपरा है ना, दिवाली पे आए थे हम इधर, दिवाली पे ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने होली भी खेली थी ब्रिज में, तो हमारा गाँव वैसे ब्रिज में लगता है, ब्रिज में लगता है, हम ब्रज भूमि से हैं, तो ब्रिज का तो रंग ही अलग होता है। चलिए अंत में क्या कहेंगे मेला दर्शकों को जो वीडियो देखेंगे? वीडियो देखने वाले से ये कहेंगे, भैया जो हमारी परंपरा जो पुरानी उसको निभाओ और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, सभी को फायदा हो, और एक दूसरे से मिल ले, एक मिलाप ही एक मेला होता है। मेला मिलने मिलाप को होगा, एक हम आपस में जो है प्यार बढ़ जाए, हम जब या मीडिया करें तो हमें आपस में प्रेम बढ़े।